वेलकम इन्वेस्टर्स, ऑन विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 27 नवंबर 2020 और आज हम कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे आने वाले दिनों में इस स्टॉक में हमें क्या प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये कोटक महिंद्रा बैंक का मंथली चार्ट है और मुझे इस मंथली चार्ट पे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो मैं कुछ इस तरीके से यहां पर ड्रॉ करूंगा। इन टू लोस को मैं कुछ इस तरीके से मैं यहां पर कनेक्ट करूंगा तो इसका जो मंथली ट्रेंड है वो अप है। अब यहां पर देखिए जो प्रीवियस हाई यहां पर था 1737 के आसपास और इस हाई को ब्रेक करके स्टॉक ने अच्छा खासा ऑन मंथली बेसिस पे एक क्लोजिंग दिया हुआ है। अभी भी इस मंथ का वन ट्रेडिंग सेशन रिमेनिंग है। अब चलते हैं वीकली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टॉक ने ये जो एक ऑल टाइम हाई था इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया हुआ है और उसी के साथ अगर इस वीक का जो कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे तो एक अनडिसीजन का जो कैंडल है वो यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर हम वॉल्यूम्स देखेंगे तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके। अब देखिए स्टॉक का जो प्राइस था 1249 से राइज हुआ और इसने ट्रेड किया 1819 के आसपास तो ऑब्वियसली नॉर्मल सी चीज है कि अब हमें इस स्टॉक में आने वाले वीक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलने वाला है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपने प्रॉफिट बुक करके घर लेकर जाना चाहिए। अब चलते हैं हम डेली चार्ट पर और डेली चार्ट पर देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक का डेली चार्ट है और अगर हम देख रहे मंथली ट्रेंड अप है, वीकली ट्रेंड अप है तो यहां पर जैसे हम देख पा रहे डेली ट्रेंड भी अप है। अगर हम इमीडिएट डिमांड जोन की बात करें तो इमीडिएट डिमांड जोन है यहां पर और जिस तरीके से बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है उसके चलते अगर स्टॉक का प्राइस आने वाले दिनों में जो कि बहुत ही नजदीक है अगर हमें यहाँ पर 1770 के आसपास अगर मिलता है तो हम इस स्टॉक को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि प्रिकॉशन के साथ हमने यहाँ पर बाय करना चाहिए और उसी के साथ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1715 का और उसी के साथ में इस स्टॉक में हम एंटर हो सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक डिमांड जोन बना और इस डिमांड जोन के चलते स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, उसके बाद इसी डिमांड जोन को टेस्ट किया, यहां पर एंट्री 1753 पे एंट्री और ये आपका स्टॉप लॉस 1700 का। उसके बाद अगर हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करें तो 4 to 5, 6 डेज का अगर हम ट्रेडिंग सेशन देखें तो प्राइस ने एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिया है 1700 से 1937 तक इस स्टॉक ने ट्रेड किया है। यहां पर बेरिश इंगल्फिंग, उसके बाद हम जैसे देख रहे हैं आज का भी अगर हम सेशन देखेंगे तो हमें इस स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम सेल ऑफ देखने को मिला और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ये था कोटक बैंक का आने वाले दिनों का प्रेडिक्शंस और अभी का टेक्निकल एनालाइज विद डिमांड और सप्लाई। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।